स्टार्ट है। हाँ जी, इसको पूरे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टर्म टू एंड देन वी विल अगेन कम टू टर्म वन। ओके, तो लीजिए क्या है हमारे पास। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्लास एट एंड व्हाट वी हैव लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, व्हाट इज दैट। आपने एट्थ क्लास में बच्चे चैप्टर शुरू आपने एट्थ क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, आई थिंक नाइन्थ नंबर चैप्टर था अगर मैं सही हूं तो। ठीक, तो उसमें हमने एक्सप्रेशंस स्टडी किए, तो उन्हीं एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा आगे लेके आओ विद दिस चैप्टर। तो व्हाट इज दैट, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करें व्हाट इज कांस्टेंट। कैन एनीबॉडी डिफाइन इट व्हाट इज कांस्टेंट, और मेरे साथ इस चैप्टर को पूरा लिखिएगा बच्चे, फिर ही मजा आएगा अगर आप, क्योंकि आई एम फोकसिंग टोटली ऑन थ्योरी पार्ट, पूरा डिटेल में हम करेंगे। एनीबॉडी? यस सिमरन। Mam, sir, constant is which do not change. For example, 2 is a constant, so we can say all numericals are constant. अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ, you are agreed with it? जो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, a symbol having fixed numerical value is called what we call it constant. Okay, and constant may be 5, constant may be -7, constant may be 2y9, constant may be pi. तो कोई भी symbol जिसकी fixed value होगी that is called constant. ओके, आप भी ठीक हैं अगर आप बोलेंगे कि इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। और कांस्टेंट जनरली हम न्यूमेरिकल वैल्यू से ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। सेकंड वन इज कॉल्ड वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? तो वी कैन से, देखिए मैंने यहां पर क्या कहा था, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वेरिएबल क्या होगा, अ सिंबल असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। वो सिंबल जिसको हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या करेंगे दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे देखिए आप कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आप लिखते थे लेट द एज ऑफ राम इज एक्स। अब सपोज कर लीजिए आंसर में एक्स की वैल्यू आ रही है 10, किसी ने 12 निकाल दी, किसी ने 20 निकाल दी, किसी ने 30 निकाल दी, वैल्यूज तो आ रही है ना, तो हम फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं कर रहे, डिफरेंट वैल्यू साइन कर रहे हैं। अब देखिए आई एम राइटिंग द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल में 2 इज कॉन्स्टेंट, पाई इज कॉन्स्टेंट, बट आर इज वेरिएबल, क्योंकि रेडियस कुछ भी हो सकता है। यू कैन असाइन इट 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो दिस मे बी अ डिफरेंट क्राइटेरिया, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। अ सिंबल, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज कॉन्स्टेंट, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड व्हाट इज वेरिएबल, अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, या जिसको फिक्स नहीं किया जा सकता। नाउ आई कम टू नेक्स्ट वन। एक ये मैं 8th ही रिपीट कर रहा हूं अभी, तो
algebraic expression. What is it? Algebraic expression. Now I come to this one. Expression. Yeah, algebraic expression, which is combination of constant and variable connected by plus minus multiplication or division. Yani, I mean to say that jab hum different constants and variables ko with the help of plus minus multiplication or division connect karenge, so that is called algebraic expression. And that algebraic expression can be this one, that algebraic expression can be this one, that algebraic expression can be this one, or that algebraic expression can be this one. तो इनको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं बच्चे? Algebraic expression के नाम से जाते हैं. फिर से नोट कर लीजिए, these are called algebraic expressions. अब हमारे पास क्वेश्चंस आ जाता है algebraic expressions में एक और, जिनको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. वेट कीजिए एक मिनट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या हो जाता है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी? अब इसमें आती है टर्म्स. तो नाउ आई एम कमिंग टू टर्म्स. व्हेन आई एम राइटिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए, व्हेन एनी थिंग सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस, यानी जब कोई टू थिंग्स प्लस और माइनस के साथ सेपरेट होंगी, दीज आर कॉल्ड टर्म्स. लाइक एक्स स्क्वायर इज वन टर्म, एक्स इज अनदर टर्म, माइनस थ्री इज अनदर टर्म. अब आप ये नहीं कह सकते कि थ्री एक्स वाई प्लस फोर, कि दिस एक्स वाई इज टर्म, दे आर कनेक्टेड विद मल्टीप्लीकेशन, तो ये एक सिंगल टर्म होगी, एंड नाइन इज अनदर सिंगल टर्म. यानी वेन टू थिंग्स आर सेपरेटेड बाई ओनली प्लस और माइनस, दे आर कॉल्ड टर्म. तो इसमें हम क्या बोलते हैं, कितनी टर्म्स हैं? वन टर्म. हाउ मेनी टर्म्स? टू टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स? वन टर्म्स. एंड हाउ मेनी टर्म्स? थ्री टर्म्स. तो टर्म्स तब काउंट की जाएंगी जब उनके बीच में प्लस या क्या आ जाए, माइनस आ जाए. ओके, तो याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड टर्म्स. और इसी में आता है बच्चे कोफिशिएंट्स. अब सपोज कीजिए, आई एम राइटिंग दिस वन, तो यू विल चेक इट, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हमें पॉलिनोमियल में भी आ रहा हूं बच्चे. नाउ टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री एंड टर्म फोर, यू कैन चेक इट. इन टर्म वन दिस इज कॉफिशियंट्स, माइनस फाइव कॉफिशियंट, फोर कॉफिशियंट एंड माइनस नाइन, दिस इज ऑल्सो कॉफिशियंट्स. तो आप ये बोल सकते हैं बच्चे बड़े सिंपल से कि यहां पे व्हाट इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स पावर फोर, that is 7, x square, that is minus 5, x 4, and what is constant term, minus 9. अभी मेरा आप सबसे ये question है, what is the coefficient of x cube in this question? Everyone, हाँ जी, you can. Sir, zero. 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 No, zero. Check कीजिए. आप इसको standardize पता कैसे करेंगे? You can write it as 7x power 4, 0x cube,
माइनस 5x² + 4x - 9। तो अब आप यहां पे कहेंगे कि इसका कोफिशियंट क्या बचे, जीरो। इफ समबडी आस्क यू कि इसका क्या है, तो आप इनको क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। ओके, और एक चीज और देख लीजिए, इस नाइन को बोला जाता है बच्चे कांस्टेंट टर्म, इसका कोफिशियंट नहीं होता, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा कि दिस इज कॉल्ड। अब क्या होता है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बेसिस ऑन टर्म्स डिफाइन करते हैं। लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लासिफिकेशन ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैसे डिफाइन होता है बच्चे, चेक कीजिए, दिस वन और दिस वन, ओके। आप सबको पता है, हैविंग सिंगल टर्म दे आर कॉल्ड मोनोमियल, और ये हमने लोअर क्लास में भी कर लिया। हैविंग टू टर्म्स इट इज कॉल्ड बाइनोमियल, हैविंग थ्री टर्म्स इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके, मोनो, मोनो का मतलब होता है बच्चे वन, बाई का मतलब क्या होता है टू, एंड ट्राई का मीनिंग क्या होता है थ्री। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एंड इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस लेके आऊंगा कि क्या डिफरेंस है। कई स्टूडेंट पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, तो उस पर हम आएंगे। अभी मैं पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं किया, अभी तो मैंने एक्सप्रेशन डिफाइन किया, बट इसमें वर्ड आ गया पॉलिनोमियल। तो अब आइए, मैं अब इसको डिफाइन करने जा रहा हूं। टर्म बेस्ड पे हम थ्री नाम ही देते हैं बच्चे, ओके। हाँ, नॉमियल का मीनिंग बता रहा हूं अभी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल। डेफिनेशन लिखिए पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल इज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। हां, बट व्हाट इज द डिफरेंस एक्सेप्ट, अब ये लीजिए बच्चे, एक्सेप्ट क्या हो, मैं इसको रेड में लिख रहा हूं, नो नेगेटिव एक्सपोनेंट, इसका मीनिंग समझिए बच्चे कि उसका एक्सपोनेंट क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ओके, क्या नहीं होगा उसका एक्सपोनेंट, नेगेटिव नहीं होगा। अब चेक कीजिए कैसे, सपोज कीजिए ये है दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, अगर हम इसको टर्म वाइज क्लासिफाई करें तो वी कॉल इट ट्राइनोमियल। ओके, बट इफ यू आर राइटिंग दिस वन, तो कैन वी से दिस इज द पॉलिनोमियल, हाँ जी एवरीवन, हाँ जी बच्चे, गिव मी द एक्सप्लेनेशन, क्यों नहीं बोल सकते हम इसको,
वेरी गुड. अगर आप इसको प्रॉपरली करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, 3x² एक्स पावर माइनस वन प्लस 9. तो इफ यू आर डूइंग इट इन अ प्रॉपर सेंस तो आप देख सकते हैं इसमें x की पावर क्या आ गई, यानी एक्सपोनेंट क्या आ गया, नेगेटिव. तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते बच्चे, पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते. क्या नहीं बोल सकते इसको, पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते. तो ये आपने ध्यान रखना. अच्छा एक चीज और देखिए, कैन वी से दिस एज पॉलिनोमियल, यस और नो. यस के लिए ए को प्रेस करें और नो के लिए बी को प्रेस करें. पोल आपकी स्क्रीन पे. कैन वी कॉल इट अ पॉलिनोमियल? बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है. आई एम सरप्राइज टू सी द आंसर. शाश्वत क्या आंसर होगा? सर नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. व्हाई सर? 1/2 आ गया 7 के ऊपर ना. चलिए देखते हैं. पल्लवी, अभिष्चिता सर, आंसर विल बी सर यस, क्योंकि सर जो एक्स का सा एक्सपोनेंट है सर वो नेगेटिव में नहीं है और सर फ्रैक्शन में भी नहीं है. मैंने अभी फ्रैक्शन वाली तो बात ही नहीं की, मैं तो अभी आपको जस्ट क्या बता रहा हूँ, नेगेटिव का ही मैंने बताया. ठीक, तो आप बच्चे चेक करिए, आप इसको एक तरह से चेक कीजिए. देखिए क्या है, यू विल चेक द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स. यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब उसका कॉफिशियंट कुछ भी हो सकता है, कॉफिशियंट से हमारी पॉलिनोमियल पे कोई इफेक्ट नहीं होता. तो हम इसको कहेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल. ओके, याद रखिएगा कॉफिशियंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल. क्योंकि हमने बात किसकी की थी, ओके, पॉलिनोमियल के कॉफिशियंट्स की नहीं की, हमने एक्सपोनेंट की बात की. तो दिस इज अ पॉलिनोमियल. तो ये याद रखिएगा बच्चे, पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का एक मेथड है आपके पास, बड़ा सिंपल सा. हम इसको डिफाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड दिस वे, पी एक्स, पी मीन्स पॉलिनोमियल, एक्स मीन्स इन सिंगल वेरिएबल एक्स. And that can be defined as a naught, a1x, a2x² and इसी तरह से चलते जाएंगे अप टू कहां तक चले, an x power n. और इसमें एक कंडीशन और है बच्चे कि an does not equal to क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी. अब देखो कैसे, अभी डिग्री तो मैंने करवाई नहीं है, बट अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 0x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 9, तो एक्चुअली ये क्या है, 4x² एंड 5x प्लस 9. तो कोई कैंडिडेट बोल सकता है इसकी डिग्री 3 है, बट एक्चुअली इसकी डिग्री क्या है, 2 है, बिकॉज इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 0 है. ओके, तो इस पे अभी हम आ रहे हैं, तो मैं अभी उसी पे आ रहा हूं. व्हाट इज द डिग्री, अभी फ्रैक्शन वाली बात हम इसमें करें. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इस पे फोकस कर रहा हूं बच्चे कि मैं कैसे इसको क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा, या हम इसको किस तरह से क्या करके आगे लेके जाए. तो चेक कीजिए, सपोज दैट
you have 3x power 7 plus 4x plus 9. What is the largest exponent? Largest exponent. Exponent means power. और वो पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. तो लार्जेस्ट पावर इज 7, या लार्जेस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया 7. तो इसी को हम इस पॉलिनोमियल की क्या बोलते हैं बच्चे, डिग्री डिफाइन करते हैं. क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, डिग्री डिफाइन करते हैं. और एक चीज और देखिए, सपोज दैट ये आपके पास पॉलिनोमियल थी, इसकी लार्जेस्ट पावर क्या थी 7, तो देयरफॉर डिग्री इज 7. अब इफ आई एम राइटिंग दिस वन, पहले तो ये बताइए इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 3. एवरीवन बच्चे, मैं ये बोल रहा हूं इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, दिस वन जिसको मैंने इसमें ले, और एक चीज और है, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं. क्या डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और इसकी जो डिग्री है बच्चे वो क्या होती है, जीरो होती है. तो याद रखिएगा कि व्हेन एवर वी आर डीलिंग विद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होगी, जीरो. अब जिनको नहीं पता लगा वो देखें ध्यान से, we can write it as this way. हाँ, एंड में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी आप सबके, 3x पावर 0. ठीक, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो मैं अभी डिग्री के अकॉर्डिंग डिफाइन करने जा रहा हूं बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. चलिए अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री. वैसे तो हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती बच्चे, बट फिर भी हम इसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे, मैंने बहुत बार करवाया हुआ है. हाँ, आप मेरे को लिख के भेज सकते हैं, इफ डिग्री इज जीरो तो पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज कांस्टेंट. उसका नाम क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट. आप मैसेज भेज सकते हैं, जिसका मैसेज आएगा मैं उसका नाम भी लूंगा कि हाँ जी आपको ऑलरेडी पता था. ओके, वेरी गुड. कम ऑन टू डिग्री वन, वी कॉल इट लीनियर. वेरी गुड हरमनजोत प्राची. नाउ डिग्री टू बच्चे, ये हम डिग्री के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. क्या बोलते हैं बच्चे इसको, क्वाड्रेटिक. वेरी गुड. डिग्री थ्री, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक. वेरी गुड. डिग्री फोर, बाई क्वाड्रेटिक. बाई का मतलब बच्चे डबल, और क्वाड्रेटिक का मतलब ठीक. तो ये आपके पास हो जाएगा. वेरी गुड, इसको हम इस तरह से डिफाइन करें. नेक्स्ट बच्चे आ जाता है फाइव वाले को हम पेंटिक भी बोल देते हैं और क्वांटिक भी बोल देते हैं. ओके, अगर फाइव डिग्री हो तो इट कैन बी रिटन एज पेंटिक और क्वांटिक, दोनों ही जो आपको ठीक लगे. इफ इज डिग्री इज सिक्स तो वी कॉल इट
स्टैटिक, और भी नाम है ठीक। सेवन वी कॉल इट हैप्टिक, और साथ में क्या आता जाएगा, पॉलिनोमियल इज देयर। ऑक्टिक नॉनिक, याद है केमिस्ट्री में किए होंगे ये, डेसिस। और अगर हमने लंबी छोड़नी हो ठीक, एन नॉमियल्स क्या डिफाइन करते हैं हम उसको, एन नॉमियल्स। अब मैं पॉलिनोमियल लिख गया बच्चे, ये इसको नॉमियल बोलते हैं, एन नॉमियल। एन नॉमियल्स का मतलब आप उसमें कितना भी क्या कर दो, वैल्यू लिख दो, तो हम उसको इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए, एन नॉमियल्स, क्योंकि हम सारे, हालांकि इनके नाम बहुत है ठीक, तो हम इसको इसी तरह से डिफाइन कर सकते कि ये हमारे पास इस तरह से क्या होगा, डिफाइन होगा, इस तरह से हम इसको चलेंगे ठीक। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपसे एक और चीज करने जाता था बच्चे। मेरे से कई बच्चों ने पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमियल। हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम यू, सर नॉमियल इज नेम सर, जैसे नॉम। बिल्कुल उसी तरह से हम टर्म को भी नॉमियल्स बोल देते हैं बच्चे। यस सर, ठीक। और जो हमारे पास ये वर्ड आया है नॉमियल, एक्चुअली नॉमियल सिंगुलर है टर्म्स, और नॉमियल्स उसका प्लूरल वर्ड है। तो आप याद रखिएगा कि इस फॉर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड टर्म, जिससे हम इस फॉर्मेट को आगे लेके जा सकते हैं या इसको इसी तरह से डिफाइन करते हैं, नॉमियल की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सिंपल सा इसका मीनिंग है और इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल से हम, या नॉमियल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, एक्सप्रेशन, मतलब सिंपल नॉमियल का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्रेशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल एंड वेरिएबल ठीक। तो एक चीज नोट कीजिएगा, आपकी जो पॉलिनोमियल है ये टू वे से डिफाइन होती है बच्चे, दोबारा से देख लीजिएगा, एक होती है टर्म बेस्ड। टर्म बेस्ड मींस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, और एक होती है डिग्री बेस्ड। डिग्री बेस्ड मीन्स इसमें टर्म्स का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, एक्सपोनेंट को देखा जाता, व्हाट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ओके, अब देखिए जैसे ये हुआ कि अगर हमने ये डिफाइन किया, ये क्वांटिक हो, बट क्वांटिक होने के बाद भी ये पॉलिनोमियल, सॉरी क्वांटिक होने के बाद भी ये मोनोमियल, बिकॉज सिंगल टर्म, समझ गए ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि डिग्री अकॉर्डिंग टू डिग्री, और अकॉर्डिंग टू आपके पास क्या होगा टर्म्स। तो पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ टर्म्स, एंड पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट व्हिच इज कॉल्ड डिग्री। अभी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आप मेरे से पूछना चाहें रिगार्डिंग दिस पार्ट।